देवों की भूमि चाहे देव भूमि, देवताओं के आवास की ये भूमि, प्यार प्रेम की ये देव भूमि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के निवास स्थान माने जाने वाले उत्तराखंड की, जिसे देव भूमि भी कहा जाता है। चाहे बात केदारनाथ की हो, बद्रीनाथ की हो या फिर बागनाथ मंदिर की, यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में धर्म कर्म के कई चित्र दिखाई देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पौराणिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। ये मंदिर है त्रिजुगी नारायण मंदिर। बताया जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह स्थल है। इस मंदिर के अंदर सदियों से अग्नि चल रही है और शिव पार्वती जी ने इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यहाँ विवाह किया था। जन्म जन्मांतर तक कस्मे वादे निभाने के वादे किए थे। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रिजुगी नारायण गांव में स्थित है। बताया जाता है कि त्रिजुगी नारायण मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी कि अग्नि जो तीन युगों से जल रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है, जिसे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के परिसर में आज भी ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि यहाँ महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। बताया जाता है कि यहाँ शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई के रूप में सारी रीतियों का पालन किया था, जबकि भगवान ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित बने थे। उस समय सभी संत मुनियों ने भी इस समारोह में भाग लिया था। इतना ही नहीं, विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया और इसीलिए यहाँ तीन कुंड स्थापित हुए, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थली के साथ साथ तीन युगों से जल रहा अग्नि कुंड भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, इसलिए इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो इस मंदिर में आकर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं और यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ ले जाते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहता है। इसलिए मंदिर में प्रसाद के रूप में लकड़ियां भी चढ़ाई जाती है। वैसे वेदों में बताया गया है कि त्रिजुगी नारायण मंदिर त्रेता युग में स्थापित हुआ था, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए हैं। यह भी मान्यता है कि स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन देवता का अवतार भी लिया था और राजा बलि के यज्ञ को भंग कर दिया था। ऐसी ही कहीं पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के साथ ये त्रिजुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड की मनोरम वादियों में स्थित है, जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर की तरह है। तो अगर आप भी माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह स्थली के साक्षी बनना चाहते हैं, तो त्रियुगी नारायण मंदिर में जरूर जाएं। साथ ही ऐसी और भी रहस्यों और ऐसे ही पौराणिक मंदिरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।